नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। सैलाब जो था अब समंदर बन गया है, सड़कें झील, आधा भारत बाढ़ की कैद में है। ना पहाड़ सेफ है ना मैदान सेफ, क्योंकि नदियों में आया उफान हर किसी को अपने साथ बहा कर ले जा रहा है, जिससे लोगों में दहशत का मीटर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह बह रही। गुजरात में सैलाबी चक्रव्यूह, तबाही का 360 डिग्री व्यू। लहरों में फंसा परिवार, दहशत का नया अवतार। शैतानी साजिश, बारिश बनी आतिश। पहाड़ का खौफनाक सीन, अदृश्य हुई जमीन। मौत से सीधा सामना, ईश्वर से रहम की कामना। झील बने शहर, आधे भारत में बाढ़ का कहर। बर्बादी का एंड गेम। जो बारिश सुकून दे रही थी, वो अब टेंशन बढ़ा रही है, क्योंकि नदियों ने ऐसी चाल बदली है कि जिंदगी बचाने की रेस शुरू हो गई है। गुजरात के साबरकांठा में एक कार बह गई, जिसमें दो लोगों की जान मुश्किल से बचाई गई। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक और कार बह गई, जहां ड्राइवर की तलाश अब तक जारी है, और पहाड़ पर जिंदगी सबसे भारी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंडी से आई एक तस्वीर आपकी धड़कन बढ़ाने वाली है। पहाड़ हो या मैदान, शहर हो या गांव, बर्बादी नॉनस्टॉप जारी है। और दहशत का सबसे बड़ा वीडियो गुजरात के साबरकांठा से आया है, जहां एक परिवार कार की छत पर फंसा है और लहरें उन्हें बहाने पर आमादा हैं। ये तस्वीर किसी के भी दिल में खौफ भर सकती है, क्योंकि अगले पल में कुछ भी हो सकता है। पानी कार की छत से टकरा रहा है और दो लोग इसी छत पर बैठकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी इंसान की जिंदगी में इससे खतरनाक सीन कोई और नहीं हो सकता। इस घटना के कई वीडियोस हैं, जो वहां मौजूद आसपास के लोगों ने अपने मोबाइल्स में रिकॉर्ड किए हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये कार नदी की धार में फंसी कैसे, कैसे ये लोग वहां तक पहुंच गए और क्यों ये वक्त रहते नहीं कूदे। तो बता दें कि ये घटना गुजरात के साबरकांठा के कडियार दरा की है, और ये उफनती नदी है करोल, जो इस वक्त बहुत खतरनाक हो गई है। और इसी नदी के ब्रिज को पार करते वक्त ये गाड़ी लहरों में फंस गई। जब ये हादसा हुआ, तब गाड़ी महिला चला रही थी, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि इनका बचना मुश्किल हो गया, और देखते ही देखते कार नदी के बीचों बीच पहुंच गई, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने इसकी खबर प्रशासन को दी, कुछ लोगों ने अपने स्तर पर इन्हें बचाने की कोशिश भी की,
लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी बचाव दल की टीम नहीं पहुंची। आखिरकार गांव के लोगों ने अपनी सूझबूझ और हौसला दिखाया और दोनों लोगों की जान बचा ली। लेकिन इस घटना से उन लोगों को सबक लेना चाहिए जो अपनी ही जान के दुश्मन बने हुए हैं, क्योंकि देश की ज्यादातर नदियां इस वक्त उफान पर हैं, जिनसे टक्कर लेना खतरे से खाली नहीं है। सोचिए अगर इस परिवार को वक्त पर मदद नहीं मिलती तो क्या होता, क्योंकि कई बार छोटी सी गलती भारी पड़ जाती है। इसे आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से आई इस तस्वीर से समझिए। यहां एक कार पानी में कबाड़ बन चुकी है, लेकिन ये कार यहां कैसे पहुंची तो बता दें कि काली दंडी नाम का एक व्यक्ति हैदराबाद से मछलीपट्टनम जा रहा था। रास्ते में बूदामेरू में बाढ़ आई हुई थी, जिसमें ये कार बह गई। अब पुलिस उस शख्स की तलाश करते हुए घटनास्थल पर पहुंची है, जहां उसे कार तो मिल गई लेकिन शख्स की खोजबीन अभी तक जारी है। ये खौफनाक मंजर हिमाचल के मंडी का है, जहां पहाड़ से नाला फूट रहा है और पानी एक कार पर गिर रहा है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि कार चालक चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। देखते ही देखते नाला झरने का रूप ले लेता है, वहां लोगों की सांस अटक जाती है। ये नाला करीब 1.25 घंटे तक बरसता है। बाद में जेसीबी मशीन की मदद से टैक्सी को बचाया जाता है, लेकिन जब यह हादसा हुआ तब वहां हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद थे, जो नाला फूटने के बाद वहां फंस गए और काफी देर तक वहीं फंसे रहे। जयराम ठाकुर अपनी पार्टी की सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए मंडी जा रहे थे, लेकिन जैसे पंडोह से ऊपर बांदल के पास पहुंचे तो नाले में बाढ़ आ गई और वो फंस गए। दरअसल मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था, लेकिन मंडी में आई इस आफत ने खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि बिना बारिश के ये हाल है तो सोचिए बारिश आने के बाद क्या होगा। अजमेर से लेकर जयपुर और टोंक से लेकर सिरोही तक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कहीं झील में दरार है तो कहीं बदहाली से हाहाकार है। राजस्थान के कई जिले बाढ़ और बारिश की दोहरी मार झेल रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश के मुरैना और यूपी के गोंडा में नदियों ने अपनी चाल बदल दी। ये सैलाबी चक्रव्यूह है, जिसमें देश का एक बड़ा हिस्सा कैद है, क्योंकि दक्षिण हो या उत्तर, रेगिस्तान हो या कोई और स्थान, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कुदरत की मार न पड़ी हो। सबसे ज्यादा टेंशन के साए में राजस्थान का अजमेर जी रहा है, जहां डैम ओवरफ्लो है और झील फटने के लिए बेताब है। तस्वीरों में दिख रही ये तस्वीर अजमेर की फौज सागर झील में आई दरार के बाद की है, जिसने स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रशासन की नींद उड़ा दी है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि रात के अंधेरे में प्रशासनिक अधिकारी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है, जो झील में आई दरारों को भरने में लगी है। पानी रोकने के लिए 1000 बजरी से भरे कट्टे लगाए गए हैं और स्थानीय लोगों को अफवाहों से बचने और आपदा के समय तुरंत प्रशासन को खबर देने की अपील की है, लेकिन लोगों का सब्र जवाब दे रहा है, क्योंकि फॉय सागर ओवरफ्लो हो चुका है और मौसम विभाग ने 2 दिन भारी बारिश का भी अलर्ट दिया है। अब ऐसे में अगर झील की पाल को कुछ भी नुकसान हुआ तो पूरा शहर खतरे में आ जाएगा, क्योंकि पहले से ही पूरा शहर झील में तब्दील है। अजमेर शहर में जगह जगह पानी भरे होने की वजह से पुलिस ने बैरिकेड यहाँ पे लगा दिए हैं। लोग अक्सर बाइक से यहाँ से निकलते हैं और अपनी जो वाहन है, चौपहिया वाहन है, उसको भी लेके निकलते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ पे आसपास के कॉलेज और जो दफ्तर है वहाँ पर ये लोग जो पहुँचते हैं, जो छात्र पहुँचते हैं, उनके लिए ये रास्ता ये बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ से काफी दिक्कत और परेशानी का सामना देखने को मिल रहा है। और इस जगह के ऊपर यहाँ पर जो पानी का जल भराव जो हुआ हुआ है, ये लोगों को तकलीफ दे रहा है, कई मकानों के अंदर पानी घुस चुका है। दरअसल अजमेर में एक तरफ
दो बड़ी झीलें पानी से लबरेज हैं और अब झील का पानी आम लोगों के लिए मुसीबत बनने लगा है। उधर प्रशासन पिछले 20 दिनों से सड़कों और चौराहों का ट्रैफिक रूट बदलने में ही उलझा हुआ है, लेकिन सवाल बड़ा है कि जब सड़कों पर गाड़ियां चल ही नहीं पाएंगी तो रूट बदलने से क्या फायदा, क्योंकि लोग गाड़ियां चला कम खींच ज्यादा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे अजमेर के लोग अपनी इस हालत पर आंसू बहा रहे हैं। कई कॉलोनी ऐसी हैं जिनके घरों तक में पानी घुस गया है, जिसने अजमेर के स्मार्ट सिटी और नगर निगम के सभी हवा हवाई दावों की पोल खोल दी है। जनता प्रशासन से उम्मीद लगाए हुए है कि जल्द ही जलभराव की निकासी हो और जिंदगी सामान्य हो जाए, लेकिन प्रशासन रस्म अदाई से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। इस वक्त राजस्थान के हर एक जिले की तस्वीर ऐसी ही है, क्योंकि नदी हो या नाले या फिर डैम, सब ओवरफ्लो हैं। ये तस्वीर टोंक जिले के बीसलपुर बांध की है, जिसके 6 गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है, जो आगे चलकर बनास नदी को और ज्यादा खतरनाक कर देगा। अभी 2 दिन पहले भी बीसलपुर बांध से 72,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिससे नदी किनारे के ज्यादातर रास्ते डूब गए थे, और अब फिर से पानी छोड़ने से स्थिति और खराब होगी। ये मुरैना की कुंवारी नदी का तांडव है, जिसने आसपास के कई गांवों को डुबो दिया है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांव का कनेक्शन कट चुका है। गांव को शहर से जोड़ने वाले रपटे और पुलिया डूब गई हैं और लोग जान हथेली पर लेकर लहरों को पार कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहले 3 लोग नदी को पार करते हैं, फिर दूसरी तरफ से 2 लोग आते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन इन्हें रोकने वाला अधिकारी दूर दूर तक नजर नहीं आता है। नदी कितने दिनों से चढ़ी हुई है? नदी चढ़ी है 2-3 दिन हो गए, कम से कम 5-25 गांव है, वो व्यवस्था नहीं है। नदियों का कहर किस कदर जारी है, इसकी वानगी है यूपी के गोंडा से आई ये तस्वीर, जहाँ एक मकान देखते ही देखते नदी में समा जाता है। दरअसल गोंडा में घाघरा नदी तांडव मचाए हुए है, जो लगातार कटान कर रही है, जिसकी चपेट में नदी किनारे बने कई मकान आ चुके हैं। बाढ़ बारिश का खेल हरियाणा में भी जारी है। ये तस्वीर रेवाड़ी जिले की है, जहां लगातार हुई बारिश के बाद सड़कों पर अप्राकृतिक झील बन गई। सड़क के दूसरे हिस्से पर देखेंगे तो डिवाइडर के बराबर पानी भरा हुआ है, जिसमें चलना मुसीबत को मोल लेना है, क्योंकि जो भी इसमें जाएगा फंस जाएगा। रेवाड़ी में 43 mm बारिश हुई है, जिसने पूरे शहर की हालत बिगाड़ दी है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सड़कों पर गाड़ियों की जगह अब नाव चल रही है, क्योंकि पानी इतना ज्यादा है कि नाव ही सबसे बड़ा सहारा है। एनडीआरएफ की टीम लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी है, क्योंकि लगातार हुई बारिश के बाद हालात ठीक नहीं है। उधर प्रशासन लोगों की मदद में जुटा है, लेकिन आफत इतनी ज्यादा है कि ये मदद कम लग रही है, क्योंकि पीने के साफ पानी से लेकर खाने तक की सबकी दिक्कत एक साथ आ गई है। जहां भारत के ज्यादातर राज्यों में बाढ़ से हाहाकार है, वहीं पूर्वी एशिया के देश यागी नाम के तूफान से पीड़ित है, जो चीन में तबाही मचाने के बाद अब वियतनाम पहुंच गया है। फिलीपींस, चीन और हांगकांग को बर्बाद करने के बाद यागी तूफान तबाही मचाने वियतनाम पहुंचा है, जिसने वियतनाम की दिशा और दशा बिगाड़ दी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़कों पर पेड़ टूटे पड़े हैं, होर्डिंग, स्ट्रीट, खंभे सब बर्बाद हो चुके हैं। यागी तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही चीन के हैनान में मचाई है, जहां 2 लोगों की जान इस तूफान की वजह से चली गई, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए। इस तूफान को लेकर चीन ने पहले कई तैयारी की थी, लेकिन जब तूफान ने चीन के दक्षिणी तट पर दस्तक दी तो सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। ₹250 से ₹300 किलोमीटर की रफ्तार से आया तूफान सबको बर्बाद करता हुआ चला गया।
यागी अब तक पूर्वी एशिया के कई देशों को अपना निशाना बना चुका है। हालांकि अब इसकी रफ्तार थमने लगी है, लेकिन इसने जो दर्द दिया है उसके निशान लंबे समय तक रहेंगे।